में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा आपको कभी रोने नहीं देगा। सही बात। चलो ये सब चीज तो एगो नहीं, कैसे मल्टीमीडिया मोबाइल गया तो एंड्रॉइड आया कि नहीं आया? वो जाएगा तो एंड्रॉइड आएगा। यहाँ पे हटाए, यहाँ पे ज्यादा भाव होना है। यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं, फोन आ गया सीधा बोलिए पढ़ रहे हैं, नहीं तो दूसर खोल ले। क्योंकि जिस दिन पढ़ लेंगे ना वैसा लोग आपके गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो वही लोग एक दिन आपको पहचानने से इनकार कर देंगे, क्योंकि दुनिया आपकी कभी भी आपका मुकाम देखती है, आपके रास्तों को नहीं देखती है। आज आप पटना में आवारा गर्दी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन रिजल्ट हो जाएगा तो पूरा समाज कहेगा कि पटना में जी जान लगा के पढ़ा था। यहाँ दिन रात पढ़िए, रिजल्ट नहीं होगा तो कहेगा दूर आवारा गर्दी करता। आज हम कुछ भी बोल देंगे ना, कुछ भी बोल देंगे तो आप मानेंगे, क्योंकि हमने पटना का सबसे बड़ा लाइब्रेरी खड़ा किया, पटना का सबसे बड़ा कोचिंग खड़ा किया, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लाइव क्लास, मेरा लाइव सेंटर में एडमिशन बंद है, चाहे वो जम्मू, जहानाबाद और बिहार शरीफ, नवादा, कितने सेंटर पे अकेले। आज हम कुछ भी बोलेंगे तो आप मानेंगे। हमारे सफलता का केवल दो सर, देखिए ध्यान से, पहला कि हम छोटा छोटा लक्ष्य को बना के चलते गए। नाइन्थ में थे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते थे तो कुछ पढ़ाई इंप्रूव हुई, मैट्रिक के एग्जाम में कुछ उसमें इंप्रूव हुई, इंटर में आए तो पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए कुछ उसमें इंप्रूव हुई, फिर आई ट्रिपल ई के लिए गए, आईआईटी का तो एग्जाम ही नहीं दिए, हम सोए रह गए थे जिस दिन एग्जाम था, समझा, फिर ग्रेजुएशन में आए, फिर इलाहाबाद हो गए, तो हम छोटा छोटा लक्ष्य को बना लिए। लेकिन लड़का आप लोग ने क्या किया, छोटा लक्ष्य नहीं बनाया, नाइन्थ में कुछ लक्ष्य नहीं था, टेंथ में कुछ नहीं था, इंटर के बाद, ये थोड़ी सी आपकी गलती रह गई, आप भी छोटा लक्ष्य बनाइए। लड़का कहता है हम एमटीएस का फॉर्म नहीं भरेंगे, रे छोटा तुमसे नहीं निकलेगा। अगर तुम्हारा में इतना गुरूर है अपने आप में एमटीएस का जॉब नहीं करेंगे तो निकाल के एमटीएस और छोड़ के दिखाइए, तब कहिए कि हम नहीं करेंगे। आप अपने आप को धोखा देते हैं, किसको दीजिएगा अपने आप को? कभी भी बाबू याद रखिएगा, मेहनत का ही हमेशा पूजा होती है। अब बिना मेहनत किए किसी को सफलता नहीं मिलती है। हाँ बदमाशी करिए, सब करिए। हम अपने स्टूडेंट लाइफ में सोचा, तीन बार जेल गए, तीन बार यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन में होता था, हम लोग भी ग्रेजुएशन किए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, सोचा चुनाव में सब चीज इधर उधर हो जाता था, लेकिन नहीं, पढ़ाई के साथ कभी समझौता नहीं, हम लोग पढ़ाई के साथ कभी समझौता नहीं किया। हम लोग को पहले ये ग्रेजुएशन करते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो इलेक्शन होता था, तो हम लोग में लॉर्ड निकलता था, तो लॉर्ड, लॉर्ड जानते हैं किसको कहा जाता था, जो सबसे ज्यादा बार फेल होता था ना उसको हम लोग लॉर्ड बोलते थे। लॉर्ड मतलब बहुत बड़ा महान आदमी, उसको हाथी घोड़ा पे लेके जाते थे, एकदम शान से उसको बहुत। अब उसमें मान लीजिए चुनाव है, तो चुनाव में हम लोग को भी भाई जो खड़ा हुआ है उसके साथ बचा, उस दिन भी हम लोग अपना पढ़ के जाते थे। चुनाव कही है लेकिन क्या करिए भाई, हम लोग अपना पढ़ लिए, सुबह में दस बजे तक पढ़ लिया, आदमी खाना पी के दिन भर चुनाव कर रहा है, क्या दिक्कत था? पढ़ाई लिखाई हुआ ना, आज हमको आज जो कुछ भी है उन्हीं टीचर की देन है, और उन लोग भी यही कहते हैं सफलता बाबू एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, आप बस निरंतर लगे रहिए, क्योंकि लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती। आप कितना भी पढ़ लेंगे अगर छोड़ देंगे तो ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है, इसलिए हमेशा रिविजन करते रहिए। और कभी भी बाबू डेली हर दिन आपके जीवन में दो तरह के काम आएंगे, एक जरूरी काम एक गैर जरूरी काम, पहले आप उस जरूरी काम को निपटा लीजिए, फिर आप दो घंटा मोबाइल चलाइए मेरे कहने पर, पिताजी बोलेंगे खान सर बोले हैं कहिए हमसे बात करिए, हम कहेंगे आप दोबारा बोलेंगे तो तीन घंटा कहेंगे चलाने के लिए। एनफ टाइम है बाबू, एनफ टाइम, आप 8 से 9 घंटा दबा के सोइए, एकदम बढ़िया भरपूर नींद लीजिए। लड़कों को देखते हैं सुबह भोरे जग जाता है, 4 घंटा सोएगा और बाकी बचा 20 घंटा अंगवाएगा। ले भाई ये क्या कर रहा है, भरपूर नींद लीजिए, खाना पीना एकदम बढ़िया से खाइए, आइए पढ़िए, और साथ संगत ऐसे लोगों को त्याग दीजिए जो आपके पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं, हटा दीजिए उसको, क्योंकि आपके शरीर का अगर कोई अंग खराब हो जाता है तो उसको तुरंत ठीक करते हैं, समझ आएगी नहीं, और अगर ठीक होने लायक नहीं रहता है तो डॉक्टर काट के निकाल देता है। तो अगर आपके दोस्त भी हैं जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं तो उनको कहिए कि सुधर जाओ, वरना काट के निकाल देंगे तुम्हारे को अपनी ज़िंदगी से। दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता है, आपका अपना शिक्षा और आपका स्वास्थ्य, आपका पैसा आपके काम में आएगा, बाकी सब लोग सांत्वना देने आते हैं। अगर आपको आजमाना है तो बोलिए कि हम मुसीबत में हैं, सब पता चल जाएगा कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। आप अब कोई साथ नहीं आता, केवल आप अपने साथ आते, और लोग किसी को भी मतलब से याद करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप यहाँ पढ़ने भी आए तो आपको नौकरी है, नौकरी के बाद आएंगे क्या पढ़ने? नहीं आएंगे। तो आजकल लोग कहते हैं तुम हमको मतलब से, हाँ आप पढ़ने नहीं आएंगे, मिलने आएंगे, ये आपका बड़प्पन संस्कार है, पढ़ने नहीं आएंगे। वैसे भी भाई बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है, नहीं लगता है? तो आप इस दुनिया में देखिए, लेकिन अगर मान लीजिए छात्र, हर इंसान मतलब से याद करता है, आप
आपके माँ बाप भी बहुआ, अगर आप तीन चार भाई हैं ना, अगर उसमें एक को नौकरी हो जाएगा बाकी को नहीं होगा तो वो फर्क कर देंगे, तो फिर समाज क्यों नहीं आपका फर्क करेगी। और लड़की लोग आप लोग को ज़्यादा समय नहीं देगा घर वाला पढ़ने के लिए, आपका अगर रिजल्ट नहीं हुआ ना तो आप उन सारी लड़कियों का गला घोंट दी जो आप अभी 9th 10th में पढ़ रही होंगी, सब ये सपना लेके कि इंटर पास करने के बाद हम जाएंगे पटना पढ़ने, उनके माँ बाप आपका नाम लेके एग्जाम्पल देंगे, तो गई तो थी उनकी लड़कियाँ, कौन सी कर लिए वहाँ जाके। आप लोग बहुत मेहनत से करिए क्योंकि गार्जियन आपको ज्यादा समय भी नहीं देता और बहुत सारे उम्मीदें भी लगा देता है, लेकिन यहाँ यहाँ लोगों को क्या बंदिशें खराब लगती है, फोन पे बात करना खराब लगता है, ये सब चीजें क्षणिक होती है, स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीजों का कोई महत्व नहीं होता है। आज आपको कोई बहुत अच्छा लगता होगा, आपको लगता होगा वो आपकी जिंदगी है, कुछ नहीं होता है, छुहाड़ा और प्यार एक साल में खराब हो जाता है, एकदम खराब हो जाती है। एक साल के बाद पूछिएगा ना, जो आज 4-4 घंटा फोन पे बात कर रहे हैं उनसे देखिएगा 4 साल बाद, 1 साल बाद क्या होगा, या जो लोग आज कम बात करते हैं उनसे पूछिएगा 1 साल पहले तू कितना बतियाता था, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब चीज़ों को एकदम इग्नोर कर दीजिएगा। लाइफ में सेकेंडरी चीज़ें हैं, जिस तरह से मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास, उसी तरह लाइफ के ऊपर ये टेम्पर ग्लास। कभी भी इसको अपने मोबाइल का स्क्रीन बनने मत दीजिएगा आपका, समझ आ गया। 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जो पापा खोज के लाएंगे, चाहे वो लड़का हो। आप अपना करियर खराब नहीं करिए, कोई काम नहीं आने वाला है यहाँ पे, वरना ज्यादा किसी के पीछे घूमिएगा ना होकर नौकरी हो जाएगा, आप अपने ब्याह में कुर्सी ठीक करिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगली बार आप जब भी आए तो हम चाहेंगे कि आप लोग एक अपना जॉब लेकर आए, एक अच्छा एक अच्छे अच्छे जगह सेटल होकर आए आप लोग, समझ में आ गया भाई। वरना आप लोग को हमेशा डेली एक ही काम करिए, बस दो ही काम, एक रिवाइज करिए और आप डिसाइड करिए, सुबह उठिए उठते के साथ तुरंत एक छोटी सी डायरी रख लीजिए, 5 रुपए की मिलती है जिसमें स्पाइरल रहता है, इतना पन्ना बिस्किट बराबर रहता है, वहाँ उसमें लिख दीजिए, एक पेज पे लिखिए आज का डेट, आज आपका जरूरी काम कौन है, दूसरे पे लिखिए कि अननेसेसरी में मोबाइल हैंड तेन फोन पे बतियाना, वो आप मन में मानेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो को जो भी इस दुनिया में किया, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, वो तब तक नहीं सुधरेगा जब तक उसको लात नहीं मिलता, समझ आ गया कि नहीं आ गया। और लोग भले बोलते हैं कि इस बार इस दर्द से हमें आज़ादी दिला दो, कसम खाते हैं फिर मोहब्बत नहीं करेंगे, ससुरा फिर करेगा समझ आ गया। लड़का का दिल तो होटल होता है, दिल्ली कोई ना कोई चला लाइफ की सेकेंडरी चीजें, ऐसा भी सबको इग्नोर करके चलिएगा यहाँ पे, कोई हमेशा केवल आपके जीवन का एक पढ़ाई होना चाहिए। आप उस डायरी में लिखिए कि आपका फर्स्ट नेसेसरी वर्क क्या था उस दिन का, और उसको टिक लगाते क्या ये हो गया कि नहीं हो गया, जैसे कंप्लीट हुआ आपके पास एक लंबा समय मिलेगा खुल कर इंजॉय करिए, तो आपका काम भी हो गया, इंजॉय भी हो गया, लाइफ भी बर्बाद नहीं, समझ आ गया। और जिंदगी में कभी किसी चीज़ से मत डरिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा डर क्या होता है कि लोग क्या कहेंगे, ससुरा कोई कुछ नहीं करता है, समझ आया कि नहीं आ गया, कोई कुछ नहीं करता, आप सफल हुई है। नौकरी बड़ी छोटी नहीं होती है, आपको अगर लगता है कि छोटी नौकरी है तो लेने के बाद छोड़ के दिखाइए, तब बोलिएगा कि छोटी नौकरी है, वरना कौन आपको अधिकार दे दिया कि किसी नौकरी को आप छोटा कहें, जब आप खुद बेरोजगार रहेंगे तो आप अब इस चीज को कोई भी नौकरी, देखिए अगर आप MTS में भी हो जाते हैं ना बाबू, आगे बहुत रास्ते हैं, आप आइए हम आपको क्या बोलते हैं, आप में मेडिकल को किसी का हाथ टेढ़ा कर दिया, बोलिए हम पास करा देते हैं उसको, कहीं पे कहीं भी मेडिकल में छाटता है, हाइट में 1-2 सेंटीमीटर कम है, मैनेज करा देते हैं, कराते हैं कि नहीं। आपके नाम पे कोई FIR कर दिया है, फर्जी कर दिया, हम छोड़वा देते हैं, सोच रहा आप ओरिजिनल हो करिए ना, हम छोड़वा देते हैं। आप अच्छे हैं या खराब उससे बांस नहीं है, आप मेरे अपने हैं और हम अपनों के लिए खड़ा हो जाते हैं। ने पहचान दिया, हमें अपना नाम दिया, खान जीएस रिसर्च सेंटर को पूरे बिहार का सबसे बड़ा संस्था बनाया, तो आप जैसे विद्यार्थियों ने बनाया, वरना आज तक हम कभी टेम्पू ठेला पे प्रचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जितना जहां आप लोग जाते हैं वहां आप लोग हमेशा ऐसे ही बढ़िए, कहते हैं मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं, जहां से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा, यहां बिहार के रास्ता बिहार के व्यक्ति का रास्ता कोई नहीं रोक सका, रोकने का प्रयास किया था पहाड़ में मांझी ने काट दिया छीनी होता उसे और दिखा दिया कि कोई नहीं रोक सकता है, तो आप उस परंपरा गौरवशाली परंपरा को बना के रखिए, आप ही इस बिहार का खोया हुआ सम्मान लौटा सकते हैं। आप सफल हो गए तो कम से कम एक ऐसे विद्यार्थी को जरूर पढ़ाइएगा जो पैसे की कमी से नहीं पढ़ पा रहा, अपने दो दोस्तों से मिला के कुछ पैसे आप लोग खड़ा कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग अनाथ आश्रम चलाते हैं एकदम वेल, इस तरह से अनाथ बच्चों को लगता ही नहीं कि हम अनाथ है, कभी कभी इसीलिए उनको बाहर मिलने नहीं देते हैं, वरना पूछते रहते हैं सर कि भैया ये पापा क्या होते हैं, मेरे पापा कौन है, अब बेचारों को हम क्या जवाब देंगे,
उनको इस तरह से फैसिलिटी दिए हुए हैं हम लोग आप लोग, बट आप वैसे उस लायक अभी नहीं है जो दे सकते हैं। लेकिन कम से कम बाबू इंसानियत के नाते महीने में एक दिन किसी गरीब को खाना खिला दीजिए, कुछ नहीं हो सकता है। कम से कम कल मर जाएंगे, कोई ठीक नहीं है, तो कम से कम ऊपर वाले के सामने एक बात तो कहिएगा, आँख में आँख डालकर बात तो कर सकती है तो हमने ऐसा काम किया था, जिसे आपने खाना तक नहीं दिया था मैंने उसे दिया था अपना खाना। तो आप समाज के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है, केवल अपना पढ़ के खा लीजिए, ये तो जानवरों की पहचान है, अपने नाद में खा लेता है, दूसरों की कोई परवाह नहीं। तो आप समाज के प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है, लेकिन पहले सक्सेस होइए उसके बाद ये सब काम करिए। महीने में कभी फुर्सत मिले तो किसी गरीब को आप खाना खिला दें महीने में एक दिन, और जिस दिन आप जॉब हो जाते हैं उस दिन आप अपनी इच्छा अनुसार करिए, कोई आपको रोक टोक नहीं होता, आपका जीवन दूसरों के काम आए, यही इस जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वरना हम आए हैं और चले जाएंगे तो फिर भगवान भेजा कह लिए थे जब बुलाना ही था। इस जीवन के लिए भी ये अमूल्य भी जीवन है, हम लोग पिछले जन्म में कोई ना कोई पुण्य किए होंगे जो हम लोग को पुरुष योनि मतलब मानव में हम लोग को क्या हुआ जन्म हुआ, और उसमें से भी बहुत महान काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, और महान काम में भी सबसे ए ग्रेड का महान काम किए तो हम लोग बिहार में पैदा हुए लोग। ये अपने आप में सौभाग्य की बात है कि ये बिहार की मिट्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, महात्मा गांधी, बुद्ध, जैन, इनकी ये जन्म स्थली, यहाँ पर इन लोगों ने कर्म भूमि किया। आप लोग भी ऐसे लोगों के श्रेणी में अपना नाम गिराएं। चलिए हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।